हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं कुसरो और आप देख रहे हैं टेक नाइट। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से एक माहौल बना हुआ था इंडिया में, सभी को इंतजार था माइक्रोमैक्स के लॉन्च होने का। जी हां दोस्तों, मेड इन इंडिया फ़ोन माइक्रोमैक्स ने अपने दो फोन्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। जैसा कि हम लोगों को सभी को पता था, ऑलमोस्ट र्यूमर से, लीक से ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई थी कि माइक्रोमैक्स कम से कम दो फ़ोन लॉन्च करने वाला है, और एक बजट फ्रेंडली फ़ोन होगा इसमें और एक होगा प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ये फ़ोन 24 नवंबर से फ्लिपकार्ट और माइक्रोमैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानकारी लिए इस वीडियो में जुड़े रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन फ़ोन से जुड़ी हुई हर एक चीज़ के बारे में, और इस फ़ोन को देखकर मेरा मतलब जो क्या ओपिनियन है और मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो कैसा था इस फ़ोन को देखने के बाद, जो लॉन्च इवेंट हुआ है उसको देखने के बाद, और फ़ोन्स के बारे में देखने के बाद मुझे क्या लगता है कि ये फ़ोन्स इंडिया में किस तरीके से अपना जो है सर्वाइव कर पाएंगे, और कॉम्पिटिटर्स इनके कौन कौन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना वक्त बर्बाद करें चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, माइक्रोमैक्स ने अपने दो फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं। लीक्स में बताया जा रहा था कि माइक्रोमैक्स IN1A नाम होने वाला है, लेकिन IN1A नहीं है, उसका नाम है माइक्रोमैक्स IN1B। ये एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है, और इसके साथ ही साथ माइक्रोमैक्स ने एक और फ़ोन लॉन्च किया है, उसका नाम है माइक्रोमैक्स Note 1, माइक्रोमैक्स IN Note 1। दो फ़ोन जो है मार्केट में लॉन्च किए हैं माइक्रोमैक्स ने। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक्रोमैक्स IN1B की। ये एक बजट फ्रेंडली फ़ोन है, और जो इसका डिस्प्ले आपको मिलता है इसमें वो है 6.52 इंच का HD+ डिस्प्ले, जिसमें कि आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगा, और इस वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। साथ ही साथ पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो कैमरा का सेटअप मिलता है, जो कि 13 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल। फ़ोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek Helio G35 प्रोसेसर, और इसके अंदर आपको मिलती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जो कि 10 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, और माइक्रोमैक्स का कहना है कि 2 साल तक लगातार आपको इस फ़ोन में अपडेट्स मिलते रहेंगे। दो वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च किया गया है, 2GB, 32GB, 4GB और 64GB। 2GB वाले की जो प्राइस है वो है 6999, और 4GB वाली की प्राइस है 7999। तो इंडियन मार्केट को, बजट मार्केट को ध्यान में रखते हुए माइक्रोमैक्स ने इन फ़ोन को लॉन्च किया है। और अगर मैं आपको इनिशियल इंप्रेशन बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इतने कम प्राइस में माइक्रोमैक्स ने काफ़ी कुछ देने की कोशिश करी है। काफ़ी टाइम के बाद माइक्रोमैक्स जो है वो वापसी कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो ऐसे में कॉम्पिटिशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। रियलमी, MI, रेडमी, पोको, ये इस तरह की कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे फ़ोन लॉन्च कर रही हैं बजट में, और काफ़ी कुछ देने की कोशिश कर रही हैं इतने बजट में। तो ऐसे फ़ोन से कम्पीट करने के लिए माइक्रोमैक्स ने अपने इस बजट फ्रेंडली फ़ोन में काफ़ी कुछ अच्छी स्पेसिफिकेशंस डालने की कोशिश करी हैं। ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपने इस फ़ोन में माइक्रोमैक्स इतना कुछ देने की कोशिश करेगा, वो भी इतने कम प्राइस में। अब अगर वहीं बात करें दूसरे फ़ोन की जो माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया है, माइक्रोमैक्स IN Note 1, तो इसमें आपको मिलता है 6.62 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले, और इसमें आपको देखने को मिलता है पंच होल डिज़ाइन। जी हाँ दोस्तों, इस डिस्प्ले में आपको पंच होल डिज़ाइन मिलता है। और अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो पीछे की तरफ इसमें आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा, 48 मेगापिक्सल + 5 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल + 2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर मिलता है, और इस फ़ोन में भी आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 18 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फ़ोन में भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है, और इस फ़ोन में भी आपको लगातार 2 साल तक अपडेट्स मिलते रहेंगे, ऐसा माइक्रोमैक्स का कहना है। बात करें इस फ़ोन के वेरिएंट की, तो दो वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च किया है माइक्रोमैक्स ने। एक किया है 4GB 64GB, और दूसरा किया है 4GB 128GB। दोनों ही फ़ोन्स को आप SD कार्ड की मदद से स्टोरेज जो है आप एक्सपेंड करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट वाला है 4GB 64GB, उसका प्राइस रखा गया है 10999, और जो 4GB 128GB वाला है उसका प्राइस रखा गया है 12499। ये दो फ़ोन माइक्रोमैक्स ने आज लॉन्च कर दिए इंडियन मार्केट में। गाइस, अगर आप बात करी जाए इन दोनों फ़ोन के इनिशियल इंप्रेशंस की, तो सच बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं इंप्रेस हूँ इन दोनों ही फ़ोन से जो माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इन जो माइक्रोमैक्स का नोट वन है वो ज़्यादा बिकने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो क्वाड कैमरा आजकल प्रेफर कर रहे हैं। और एक और अच्छी चीज़ जो माइक्रोमैक्स ने करी है, माइक्रोमैक्स ने अपने दोनों ही फ़ोन्स में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी है। आजकल ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कंपनी एक सस्ता फ़ोन लॉन्च करे और एक महंगा फ़ोन, और दोनों में ही सेम बैटरी, मतलब सेम mAh की बैटरी दे, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन माइक्रोमैक्स ने क्या करा है, दोनों ही फ़ोन्स में सेम बैटरी दी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट है माइक्रोमैक्स के लिए। अगर आप 6500 वाला फ़ोन खरीदते हैं, 6999 वाला, उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा बैटरी बैकअप आपको उसमें मिलेगा। पर वापस लौटते हैं माइक्रोमैक्स IN Note 1 की तरफ। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये फ़ोन जो है, इसका सबसे तगड़ा जो कंपटीशन होने वाला है वो होने वाला है Redmi Note 9 से,
और दूसरा जो है Realme Narzo 20 Pro। ये दोनों फोन्स और Poco M2 भी है। ये फ़ोन जो है ऐसे हैं कि इसके साथ बहुत ही तगड़ा कंपटीशन इसे मिलने वाला है इस फ़ोन को, क्योंकि सेम लगभग सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है और पहले से अवेलेबल है। काफ़ी टाइम पहले से लोग इनको खरीदते चले आ रहे हैं और पहले लॉन्च हो चुके हैं, और माइक्रोमैक्स इतने टाइम के बाद वापसी कर रहा है, तो हो सकता है लोग अभी माइक्रोमैक्स पे दोबारा से भरोसा करने में थोड़ा सा टाइम लगाएं। बस एक ये फैक्टर हो सकता है जिससे कि माइक्रोमैक्स को तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अगर बात करी जाए Redmi Note 9 Pro की, तो गाइस सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ अगर आप देखेंगे तो Redmi Note 9 जो है यही सारे स्पेसिफिकेशंस दे रहा है लगभग 12,500 रुपये में, और यही सारे स्पेसिफिकेशंस दिए हैं माइक्रोमैक्स ने 10,999 में। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगी, माइक्रोमैक्स ने बजट का ध्यान रखते हुए इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस देने की कोशिश करी है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम मेड इन इंडिया फ़ोन बना रहे हैं और हम इंडियन जो यूज़र हैं उन्हें कुछ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा उन्होंने कहा था अपने वर्ड्स पर वो लोग टिके रहे और एक उन्होंने अच्छा फ़ोन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो शायद किसी ने भी माइक्रोमैक्स से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतने कम बजट में और इतने लंबे टाइम के बाद माइक्रोमैक्स वापसी कर रहा है, तो इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ वो फ़ोन मार्केट में लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों माइक्रोमैक्स के बारे में फिलहाल इतना ही। अगर आप लोगों का इसी चीज़ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल के जवाब देने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों मैं आप लोग मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।